बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बिरयानी बनावांगे। बिरयानी बनाने वास्ते चावल, एक किलो चावल, एक किलो मुर्गी दा गोश्त, दो चम्मच, एक चम्मच थोम, एक चम्मच अदरक कुटिया, आधा कप ऑयल, आधा कप दही, चार पांच प्याज, चार पांच टमाटर, एक लींबू दे पीस कटे, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया, तो मसाले दे विच जरूरत है एक चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, तीन मोटी इलायची, पांच छः सब्ज इलायची, पांच छः लौंग, दो बदायन के फूल, दो करी पत्ता, आधी चमची जावित्री पाउडर, दो स्टिक दालचीनी, एक चम्मच पड़ के लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, तो नमक अपनी ज़रूरत मुताबक, रंग जरदा रंग की ज़रूरत है, तो जायका ज़्यादा अच्छा होने वास्ते कदू चावला दे दाम देना है उदू थोड़ा मक्खन पावांगे। हम प्याज नूं ब्राउन करांगे ते फिर आधा प्याज भी काट लांगे। क्योंकि चिकन थोड़ा सारा ना ब्राउन हो जाएगा, यानी कि वो लाल की मर जाती है, तो अदरक से थोड़ा पेस्ट पाना, पेस्ट नहीं किया हुआ। तब से ही मिक्स होया थोम तो अदरक है। ये मसाले के पीसे ने और पाने में मेरे बच्चों ने साबुत मसाले नहीं पसंद थे, इस वास्ते मैं पीसे ने, अगर थानू पसंद या तो फैमिली में पसंद है तो साबुत मसाले से ये अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हूँ टमाटर थोड़ा नरम हो गए ने, उन्हें तो बाद असी हम दही पावांगे। एक पतीली रखी है, फिर मैं पानी पाया चावला वास्ते, कद बाला आ जाएगा फिर मैं चावल बेच पावांगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा रंग आया, ऐसा ऐसा आयल निकलता पाया, आयल की निशानी कदों निकलते हैं मतलब के पानी खुश्क हो गया, तो और दो तीन मिनट घुमाएंगे तो इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगा, तो कौरमा तैयार हो गया। हूँ आयल निकल आया, बिकॉज सेपरेट हो गया, अगर कौरमा खुश्क बनेगा तो फिर चावल भी खुश्क बन जाएंगे, अगर कौरमा थोड़ा सारा रसमी सा बनेगा तो चावल बहुत बहुत अच्छे बनते हैं, मेरा जायका बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर अगर पसंद आ गई है तो ज़रूर कमेंट करके दस दियो, तो ट्राई ये रेसिपी जरूर करो, मैं खुश होवांगी। पानी उबाला आ गया, हम चावल बेच पाऊँगी। चावल उबालेंगे अस्सी फीसद, तो ज़्यादा ना, क्योंकि दाम च भी लगना है तो फिर मसला बन जाना, ज़्यादा गल जाते हैं फिर बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी।
वो ना चावल सही हो गए ने, तो चावल टूट तो जाता है ना इंज। ठीक है असी फीसा तो हूँ चावल न चोरने थोड़ी सारी हूँ ना असी जरा ना ग्रेवी यदि पावांगे तेले देस की ची या पीली च ते चावल ना जुड़ान उससे पतीली के बेच असी चावल बा लेने। ठीक है तोन की जरूरत नहीं क्योंकि वो चावल वापस आ जाते हैं। नींबू पावांगे जायका बहुत अच्छा होएगा नींबू अनार थोड़ा धनिया थोड़ा पुदीना प्याज थोड़ा फ्राई कर दिया फिर चावल सॉरी अपनी मर्जी होंगी कोई दो तै ला लगे तो कोई तीन तै चावल सालन ज्यादा है तो इस वास्ते दो तै सही होंगे। मैं कच्चा टमाटर पसंद है इस वास्ते कच्चे टमाटर मैं पानी है ये ऑप्शनल है अगर पसंद कर दो तो पा लवो धनिया बिक्री पाउडर नाल फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। इस दौरान थोड़ा सारा मक्खन दो चम्मच दम ला लेना मैं तो कोलियों नाल दम ला लिया तुसी पौने नाल दे सकते हो 10-12 मिनट दम ते रखना है फिर दम फोड़ के लुक बखावांगे।